उस नदी के आभारी हैं हम, जिसकी वजह से आज यहां हम सब लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आए हैं। हम फ्रेया डेचो आज के मंगल अवसर को और भी ज्यादा मंगलमय बनाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी के आयोजन का ऐलान करते हैं, जिसे यहां के लोग कहते हैं द एक्सपो। दुनिया के लिए एक संदेश होगा कि हम गले लगाकर सबका स्वागत करते हैं। हम सब मिलकर बनाएंगे इस दुनिया की सबसे बड़ी नाव। हमारा गांव सी अयोध्या महाकोंका नखोन। इस गांव में रहने वाले लोग इसे यूटा कहते हैं, जिसका मतलब है नदी के किनारे रहना। इस नदी के किनारे सदियों से सुख और समृद्धि का माहौल बना हुआ है। पर ऐसा कैसे? अफवाह है कि यहाँ अतामात नाम का एक रहस्यमय अद्भुत सैन्य बल है जो इस राज्य की रक्षा करता है। अब तक यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं आ पाया। एक बार चियांगिन ने शामनों की फौज भेजी। उसने सोचा कि वो अतामात को काले जादू से हरा देगा। ना ही सिर्फ वो उस लड़ाई में हारा, बल्कि उसकी एक आंख भी निकाल ली गई। कोई नहीं जानता कि ये बात सच है या नहीं, क्योंकि अतामात को तो आज तक किसी ने नहीं देखा। लेकिन मेरा मानना है कि वो असली है। मुझे यकीन है कि मेरे बाबा उन्हीं में से एक हैं। लोग कहते हैं कि मैं डींगे हाँकता हूँ। हाँ, वैसे हाँकता तो हूँ, मुझे तो मेरे बाबा का चेहरा भी याद नहीं, वो क्योंकि मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। खैर छोड़, यूटा हमेशा से एक शांत जगह रही है, जहाँ सब लोग अपनी जिंदगी संवारना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि यूटा में तुम जो चाहो वो बन सकते हो। हमेशा से मेरा बस एक ही सपना था कि मैं वर्दी पहनने वाला एक पुलिस वाला बनूं, और आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो गया। रुक रुक रुक, 50 रुपए निकालो। समारोह के चलते राज्य के सभी सैनिकों को चौकन्ना रहने का आदेश है। नशे में पाए जाने वाला गिरफ्तार कर लिया जाएगा, समझे? ए, पैक। ये तो गया। बड़ा खंबा चढ़ा लिया है क्या? क्या बकवास है, मैंने कुछ नहीं पिया। फूंक मारिए जरा। नहीं नहीं, मैं नहीं मारूंगा। नहीं, नहीं मारूंगा। ए? क्या चल रहा है यहाँ पर? हाँ, पहले तो कभी नहीं देखा यहाँ पे। तुझे क्या हुआ है? भूख मारी के नहीं? अबे कट लेते। अबे बेवड़े, मेरे मुंह पे ही भूख दिया। मैंने नहीं पिया था, कुछ नहीं पिया था, मैंने नहीं पिया। ये आदमी बहुत शाना है, भैंस का दूध पी रहा है ताकि पकड़ा न जाए। इसने नहीं पी। ये वाला शाना है, अमरूद के पत्ते खा रहा है, बच जाएगा। तो फिर हमें पैसे कौन देगा भाई? ए, बकरा मिल गया। मैं तो इसे नंगा ही कर दूंगा। रुको। क्या गोबर खा लिया क्या? चल चल निकल यहां से। ए, बहुत हो गया तुम लोग का टिकटॉक डांस। कहाँ जा रही है ये सवारियाँ? पति का क्रियाकर्म करने। किसका पति? ओ अरे, अम्मा का भी सीन सेट किया क्या? और चलो हटो हटो, गाड़ी की तलाशी लेने दो। ओ ये क्या है, इसमें क्या बनता है? चावल है। ओहो, बनते ही चावल खा लिए। साहब जाने दो ना। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। बाय।
चले फिर मिलेंगे सुंदरिया। और तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ये सड़े हुए अंडे जैसा मुंह क्यों बनाया? मैं एक कलाबाज जादूगर हूँ, समारोह में खेल दिखाने जा रहा हूँ। और इस गाड़ी में क्या है, कुछ गैर कानूनी तो नहीं है? तुम गिरफ्तार भी हो सकते हो, सामान पार कराना। और तुम लोगों का क्या, तुम लोग असली पुलिस वाले हो? आओ, पुलिस वाले की बेइज्जती कर रहा है, इसका तो अलग से जुर्माना देना पड़ेगा। साहब जी, साहब जी, हम पे हमला हो गया साहब। उन लोगों ने हमारी वर्दी चुरा ली साहब। अरे वो रहे दोनों साहब, वो रहे, हमारी पैसा किया उन्होंने। कट लेते हैं, चल। हमने क्या कर दिया साहब? वो रहे दोनों, जल्दी पहरेदारों को बुलाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। अभी क्या, अभी रुको, वरना मारे जाओगे। अब क्या करें, क्या हो? मेरे पास चोर चाबी है। ये क्या हो, जल्दी। अगर तू बच गया तो मेरी माँ को बताना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अबे पेक, तू अनाथ है भाई। अबे जल्दी कर। पुलिस वाले से पीछा छुड़ाओ। हो गया पैक। तुझे कीड़े पड़ेंगे क्या? तेरी वजह से मुझे अभी दिल का दौरा पड़ जाता। ये पैक, इन्हें काबू में कैसे करते हैं? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। Huh?
पहचाना मुझे? फ्रायातेशो, ये देख क्या किया तूने, मेरे बदले का वक्त आ गया, अब देखते हैं तेरे बिना यूटा की क्या हालत होती है। ये बहरूपिया है, अतमात के नीचे दर्जे का मंत्र। माफ कीजिए महामहिम, इस गलती को सुधारने का एक मौका दीजिए। इस बार हम असली फराया डेको को जरूर लेकर आएंगे। सुनने में आया है कि एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, अलग अलग राज्यों से बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। उन मेहमानों में से एक होगा राजकुमार बिंतोंग। खबर है कि लांचा के नए राजा के रूप में राजकुमार बिंतोंग की ताजपेशी होने वाली है, वो जरूर आएगा। वो सब डरपोक है, अतमार्थ सिर्फ छुप कर वार करेंगे। ठीक है, मैं जल्द ही जंग का ऐलान करूंगा। रश्मि, सीचन, मुंगयाओ, तुम दोनों खतरनाक हथियार हो, अगर जंग नहीं तो तुम दोनों का भी कोई काम नहीं। उस राजकुमार को लेकर आओ और समारोह को बर्बाद कर दो। एक बार वो राजकुमार बिंतोंग हमारे हाथ लग जाए, उसी से जंग की शुरुआत होगी। मैं भी देखता हूं अतमार कब तक अपने बिल में छुपकर बैठते हैं। तुम दोनों आ रहे हो ना? अरे एपेक, ये तूने कब उठाया? नाचते हुए उड़ा लिया। क्या बात कर रहे है भाई, कूल। चैंग का बैंड परफॉर्मेंस है आज, मुश्किल होने वाली है। हाँ हाँ, चलो चलो चलते हैं। कौन है? ए बैग, तू तो बढ़िया लग रहा है यार। मेरे फेवरेट कपड़े हैं, चल जल्दी, चैंग का परफॉर्मेंस शुरू होने वाला है। आया हूँ मैं गरजने, आया हूँ मैं बरसने, आया हूँ मैं मिलने, आया हूँ मैं यूटा। दिल में है आग, आंखों में प्यार, एक ऐसी जगह जिसे कहते यूटा। दुनिया है ना, हूँ मैं भी यहाँ। उसकी फिक्र मत कीजिए आप। कोई बात नहीं, थैंक यू सर। ओके, है रुको, इन दोनों को जाने दो। क्यों? ओए, इन दोनों को क्यों छोड़ो? ए, कानून किसी की मदद नहीं करता। ए! शुक्रिया साहब। ओ ओ, हे क्या हो, कितना वक्त हो गया यार, अच्छा लगा मिलकर। क्या हो? क्या देख रहा है? मैं पिम हूँ यार। पिम? पिम, चैंग, चांग, चांग, पिम, अंदर चिल्ला रहे हैं सब, तुम दोनों आ रहे हो ना? ओके। हे क्या हो, जल्दी चलिए।
चलो पिम। एक चीज दिखाऊं क्या? हाँ दिखा। अबे ये तूने कहाँ से उड़ाया? वो लड़ाई के बीच में मैंने गायब कर लिया। तो चल निकलते। चलो चलो जल्दी करो भागो निकलो। ए क्या हो? ये सेलिब्रिटी तेरे दोस्त कब से हो गए? ए भागो भागो तुम लोग भी यहाँ से निकल लो जल्दी। अरे ये तो लोग वही है ना जो कुछ नहीं किया। मुझे बताओ बेटा, इस सूखे पेड़ को देखकर तुम्हें क्या लगता है? लगता है जैसे ये तूफान से मर गया। पेड़ के ऊपर एक टहनी है, देखो उसमें पत्ते वापस आ रहे हैं। तूफान की वजह से ये मरा नहीं बल्कि फिर से जिंदा हो गया है। त्रिदेव रंग महाशस्त्र। गद्दार के बेटे, पकड़ो उसे। गद्दार के बेटे। पिम, देख कोई आ रहा है, पर तू डरना मत यार। ओए आंखें फाड़ के क्या देख रहे हैं? आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगा। पीपलियाओ, तू पीपलियाओ ही है ना? पीपलियाओ देखकर खुशी हुई भाई कि तू अब भी जिंदा है। मैं क्या हूं बे? तू भी क्या हुए? मेरी दादी तेरी माँ के परिवार से, लेकिन लोग सोचते कि मैं बेटा हूँ अपने भाई के बाप का। लेकिन कोई बात नहीं, भाई तेरी माँ क्या बोल रही थी पता है? वो तुझे बहुत प्यार करती है और हमेशा करती रहेंगी भाई। तूने ही तो अपनी माँ के बारे में मुझे बताया था, उनके प्यार बिना जीना क्या है। माँ, हाँ माँ, शुक्रिया मेरे भाई, तूने तो मेरी माँ की याद दिला दी। हे पैक, तू डर मत यार। ओ ये तो मेरे भाई हैं। भाई नहीं, भूत है इसकी आंख। क्या क्या हाल है? अब ये कहाँ गया? एक बात सुन ले, मैं इंसान हूँ भूत नहीं। क्या बात कर रहे हो, वो कुत्ता तुम ही थे ना? सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा नाम है डेट, शक्तिशाली डेट, करामाती तंत्र का मालिक, लोग मुझे तांत्रिक भी कहते हैं। कभी सुना नहीं? कभी सुना नहीं? कभी सुना नहीं? कभी सुना नहीं? नहीं सुना। तीन कैदियों को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उनका सर मेरे सामने काटा था और तुमने उन्हें बातों में उलझा दिया। इंसानों को तो भूत डराते हैं, पहली बार किसी भूत को बेवकूफ बनते देखा है। तुम ही वो इंसान हो जिसकी मुझे तलाश है। क्या बात है, क्या बात, क्या बात है? वो क्या है ना कि मुझे प्रतिभा की तलाश है, ऐसे लोग जो योग्य हो। अब तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। कहीं तुम उन शामनों में से एक तो नहीं, इसीलिए तुम धोखेबाजी के लिए यहाँ पर कैद हो ना? जानना नहीं चाहते
कि तुम्हारा बाप आखिर कौन है? क्या तुम जानते हो उन्हें? तुम्हारा बाप कौन है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर पड़ता है तो इस बात से कि आखिर तुम कौन हो। सबसे पहले बुनियादी शिक्षा, और यह तुम्हें अपने आप पढ़ना होगा। दूसरी जरूरी बात, जेल तुम्हारी शिक्षा के लिए ठीक नहीं है, इसलिए तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। ओए, यहाँ से मैं तुम्हें बाहर कैसे निकालूंगा? मैं तो खुद यहाँ। बात यह है कि सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। क्यों? एक क्या और पैक, तुम जा सकते हो, तुम्हारी किसी ने जमानत दे दी। ए पैक, चलो जा भाई। ओए, चल चलो चलो चलो, निकलो जल्दी करो। चल चले पैक। ओम समान असमान रूप धारण तू, चित्ते जितां अकुंभा मनुत्या। ए, क्या हो? तुम्हारी तो जमानत हो चुकी है ना, अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। खबर मिली है कि राजकुमार पिंतंग अपने गुप्त सलाहकारों के साथ सफर करने वाले हैं। चाहे जो हो, राजकुमार को यहाँ कैसे मिलाओ? बारूद चुरा कर समारोह को तहस नहस कर दो, खुशी के उत्सव को मातम में बदल दो। ए, जाने दो इसे। ए, क्या हो? मैं जानना चाहती हूँ कि तू कब इन मुसीबतों में पड़ना बंद करेगा। जानता है ना, हम दूसरों की तरह नहीं है। मैं क्या करूंगी अगर तुझे कुछ हो गया? अकेले ख्याल रखते रखते तेरा मैं परेशान हो चुकी हूँ, और परेशानियां मत खड़ी कर मेरे लिए। माँ, माँ, क्या है? मेरे बाबा कौन है? उनके बारे में कभी कुछ बताती क्यों नहीं? हमें इस तरह रहने की क्या जरूरत है? वो हमारे साथ रहने क्यों नहीं आते? वो एक अच्छे इंसान है, इतना जानना ही काफी है। ऐसे लोग जो योग्य हो, अब तक मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। जानना नहीं चाहते कि तुम्हारा बाप आखिर कौन है? तो अब तुम मेरा जादू सीखना चाहते हो? शक्तिशाली सच्ची भविष्यवाणी। ये क्या है? तुम्हारे बाबा कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता,
फर्क इससे पड़ता है कि तुम कौन हो। तो अब तुम मेरा जादू सीखना चाहते हो? बोलो। शशिकांत रूपांग में तंग कुमार रंग बेटे किमान थोंग। कितनी बार कहा कि चड्डी पहन के आया करो, मेहमान क्या सोचेंगे है? जब देखो तब गायब हो जाते हो है? कब से खाना ऐसे पड़ा हुआ है, खाना क्यों नहीं खाया है? जब देखो केला गन्ना और उबला अंडा, मैं बोर हो गया हूँ। और ये कौन है? इनसे अच्छे से पेश आना। चलो अब जाओ अपना काम करो। चॉकलेट लाए हो क्या? अगली बार ले आऊंगा मोटू, वरना तुझे खा जाऊंगा। मेरी जादुई गुफा में तुम्हारा स्वागत है। सात जादुई करिश्मे, लेखक गैंडाल्फ, अनुवादक मास्टर डेट। ये असली है क्या? इतना असली जितने तुम। चलो अब। शुक्रिया बेटा। थोंग शुरू करो। हाँ तो कई लोगों का मुझसे यह सवाल है कि आखिर ये जादू होता क्या? क्या? चलिए इसकी गहराई को समझते हैं। दुनिया में हर चीज छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल। इंसान का शरीर भी उन्हीं से बना है। एकाग्रता की अवस्था में अपने मस्तिष्क पर काबू पाने के लिए शरीर के इन बिंदुओं में कंपन पैदा करने से एक शक्ति का जन्म होता है, जिसे कहते हैं प्राण। प्राण के इस्तेमाल से ही हम दुनिया में जादुई शक्ति का निर्माण कर सकते हैं। हर जादुई शक्ति के लिए एक अलग मंत्र और विद्या है। अगर आप पुराण के बारे में सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आइए। ए बेटा, मंत्रों की किताब लाओ। क्या आपके जादू से मेरी याददाश्त वापस आ सकती है जो मैं खो चुका हूं? एक बार बाबा को देखना है। तुम्हारे हाथ में जो किताब है वो इंसानी खाल से बनी है। हमारे पुराने गुरुओं की खाल और उनकी आत्माओं की शक्ति है इसमें। कुल मिलाकर इस किताब में 9 शाखाएं हैं। कोई भी आज तक सभी 9 शाखाएं पूरी नहीं कर पाया। इस किताब में सबसे पहला मंत्र है टेलीपोर्टेशन का। इस मंत्र की मदद से तुम किसी भी जगह पहुंच सकते हो और चाहो तो किसी से भी मिल सकते हो। पर तुमने अभी तक अपने मस्तिष्क पर काबू नहीं पाया है और ना ही पूरी तरह ध्यान लगाना सीखा है, तो भूल कर भी इस मंत्र का इस्तेमाल मत करना, वरना तुम नमो बुद्धाय। ये कैसे किया इसने? एक बात बता पिम, उस दिन जो हैंडसम सा लड़का था कौन था वो? बताना यार, बचपन का प्यार? बचपन का प्यार नहीं था सायता, वो मेरे बचपन का दोस्त था। हम दोनों बहुत करीब थे, लेकिन शायद वो अब मुझे भूल गया है। उसे याद ही नहीं मैं कौन हूँ। मैं सोच रही थी अगर तुझे पसंद नहीं तो मैं बता लूँ। तू भी ना, चल चले। समारोह में जो मेहमान आए हैं वो अपना नाप देने के लिए पिम की दुकान में जाएंगे। देखने से लगता है कि वहां की सुरक्षा कमजोर है। पश्चिमी राजदूतों के बीच घुल मिल जाने का ये अच्छा मौका है, और ये तुम्हारा दूसरा मौका है। उस रॉयल डचे को मेरे पास लेकर आओ और इस बार चूकना नहीं।
ए शाहरुख खान कौन है तू? हमारे साथ नहीं आएगा क्या? ओह क्या है ना, मुझे लड़कियां पसंद है। ओके आओ, तुम यहां कैसे? मैं कपड़े बदल कर आता हूं, फिर साथ में खाना खाते हैं। हाँ कहीं जाना नहीं, यहीं पर रुकना। हाँ ठीक है। ए सुनो, तुम भी यहाँ के मेंबर हो क्या? कितना सुंदर है ये। क्या क्या तुम यहाँ कैसे? अच्छा वहीं रुकना, मैं नीचे आती हूँ, ठीक है? वेलकम माय फ्रेंड, प्लीज अंदर आ जाओ। चलो क्या आ जाओ, अंदर आ जाओ। पिम क्या हो? चलो। हमारा चेंग बहुत ही होशियार लड़का है, वो पढ़ाई के लिए हॉलैंड गया था तो उसकी भाषा ही बदल गई वहाँ जाकर। आप लोगों को मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये कौन है चेंग? ये क्या है आंटी थेपतांग, बचपन में हमारे पड़ोस में रहता था आंटी। हाय बेचारा लड़का, तुम्हारे जैसा अतीत भगवान किसी को ना दे। जब कोई ऐसा कहता है तो उसकी जिंदगी मनहूस हो जाती है। क्या सच में मनहूसियत होती है? वो पता नहीं मैं क्या सोच रही थी। क्या गलत है मुझ में साहब? तुम्हारा बाप गद्दार था, उन किराए के बेटे हो ना, तुम्हारे बाप ने हम शरीफ लोगों के नाम को डुबा दिया था। क्या करने आए हो तुम यहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ भी चोरी करने के लिए आए हो? माँ, एक गद्दार का बेटा कभी किसी के काम नहीं आ सकता। ना तुम आम इंसान हो और ना ही तुम गुलाम बन सकते हो। लेकिन ये मेरा दोस्त है। तो ठीक है, अब यही लड़का तुम्हें सच बताएगा कि ये कौन है और कहां से आया है। मेरा नाम क्या है सर? हमें समाज से निकाल दिया गया था, पर मुझे मेरा बचपन याद नहीं है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया मुझे बताने के लिए कि मैं कौन हूँ। ये डिश तो बड़ी स्वादिष्ट बनी है, ट्राई तो कीजिए। ये डिश तो दे दीजिए। ये तो टमाटर है। अच्छा, खाने से स्किन बड़ी चमकदार बन जाती है। बेटा छांग, चलो मेरे साथ, अम्बेसडर तुमसे मिलना चाहते हैं। जी पिताजी। क्या हो? क्या हो? मैं माँ की तरफ से माफी मांगना चाहती हूँ, उन्होंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा। तू चाहे जो भी हो, लेकिन तू मेरा दोस्त है यार, मुझे यकीन है कि तू मुझसे चोरी नहीं करेगा। तो फिर अब इतनी जल्दी तो घर नहीं जाना चाहिए, पुरानी बातें जो करनी है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? मेरे साथ चलोगे? चांग को बहुत मजा आ रहा है ना? क्या हो, क्या तुम सच में अपना बचपन भूल गए हो? तुम्हारे गायब हो जाने के बाद मेरी सगाई चांग के साथ हो गई, और चांग सच में बहुत अच्छा लड़का है। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके साथ रहूंगी, मेरे जवाब का इंतजार किया, और जब वो वापस आया तो उसने मुझे प्रपोज किया। मुझे खुशी हुई सुनकर। पीठ पीछे लोग कहते हैं कि मेरी नजर उसकी दौलत पर है, इसलिए वो फौज में भर्ती हो गया। वो अपने पिता की मर्जी के खिलाफ गया, साबित करने के लिए कि वो सिर्फ एक लड़का है जो एक लड़की से प्यार करता है। मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। फौज में भर्ती हो जाते? मुझे कोई नहीं लेगा, समाज से निकाला हुआ हूं ना, और नाम भी खराब है। टेंशन ना ले,
तेरा भाई अभी जिंदा है। फौजी पैक सेवा में हाजिर है सर। ए, तू कब से फौजी बन गया? मैं महल की रक्षा करने वाला फौजी हूँ। मुझे ना वर्दी वाले आदमी बहुत पसंद हैं। ओए एक्सपो की आतिशबाजी शुरू होने वाली है, चलो चलते हैं ना। अच्छा क्या हो, मैं अभी आता हूँ। क्या हो, कोशिश करने में कोई हर्ज तो नहीं है ना? क्या तुम सच में कुछ भी साबित नहीं करना चाहते? पता नहीं। आतिशबाजी शुरू हो गई। क्या हो? चलो ना तुम भी आओ। क्या हो? ए क्या हो? उठ उठ जा बेटा। ए क्या हो? माँ मैं फौज में भर्ती होने जा रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करना। ठीक है, अपनी जमीन से दूर खुशी नहीं है बेटा। सुडौल और गठीला शरीर वाले लोग लोमड़ी दस्ते में जाएंगे, और जिनमें स्टैमिना ज्यादा है। ए क्या हो? मेरी फट रही है यार, तेरा दोस्त पक्का आएगा ना? शाम ने कहा था वो आएगा, वो पक्का आएगा। हाय! क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या भर्ती लेने आए हो? तुम्हें पहले तो यहाँ नहीं देखा, कौन से कबीले के हो? कैसा कबीला? जैसोंग, ये दोनों लड़के हमारे परिवार में काम करने वाले लोग हैं। अगर आप इनकी जिम्मेदारी ले रहे हो चैंग, तब तो सब ठीक ही होगा। चलो अपना नाम लिखाओ और आगे बढ़ो। मुंह क्या देख रहे हो, चलो। अरे वाह, शानदार। हमें कमजोर दिखना होगा, हमें किसी अच्छे दस्ते में नहीं जाना है, ठीक है? हाँ हाँ हाँ। अगला कौन है, जल्दी आओ। आया। चलो अगला नंबर किसका है? अरे वाह, लंबाई तो बहुत अच्छी है तुम्हारी। क्या हुआ तुझे? बहुत भयंकर खांसी है। ओहो, नहीं 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 है, चलो निकलो यहाँ से। चलो अगला नंबर किसका है? शुक्रिया। अबे तेरे बाल है या घोंसला? अबे ये तो असली है। हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती, चल 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 जल्दी निकल, जल्दी अपनी वर्दी लो। काम चोर, पैरों में मेहंदी लगी है क्या? जवानों सब धन। तुम सभी जवानों का तहे दिल से स्वागत है। इस राज्य को तुम जैसे जवानों की सख्त जरूरत है। तुम्हारा जवान खून इस राज्य की रक्षा करेगा। हमें मतलब नहीं तुम कौन और कहां से हो। तो अब से तुम सब लोग सिर्फ एक ही नाम से जाने जाओगे। तुम सब लोग हो सैनिक, सेना सी अयुथा महा कुंग खानो खाओ। सलामी के लिए तैयार, सब धन। ए, ए, क्या हाल है? मैं राम, बाप सती माँ फुयूं। मैंने अपना नाम हुक्मी दस्ते में लिखवाया था। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ आकर तुम जैसे मूर्खों से पाला पड़ेगा। वैसे मिलकर अच्छा लगा तुमसे। मुझे भी। ए, तुम तीनों के तीनों नमूने हो, हम पहले भी मिले, याद आया? जवानों, ये तुम्हारे अभ्यास का मैदान है, शुरू कराओ। है ए, 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 ए,
दाएं बाएं दाएं, दुश्मन को मिटाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते रहेंगे कदम, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, किसी के आगे झुकना नहीं है, दाएं बाएं दाएं, दाएं बाएं दाएं, दाएं बाएं दाएं। सोने का समय हो गया है, सब सो जाओ, सो जाओ सब। तू रुक क्यों गया? क्या देख रहा है? क्या हो? हे न्यूनजमान, साला नौटंकी बाज कहीं का। अंकल, क्या आपने 35 अटामार्ट्स के बारे में सुना है? वही ना, रहस्यमयी सैन्य बल जिन्होंने अलौकिक जादूगर इकट्ठा किया था। किसने नहीं सुना होगा? क्या आप उन्हें जानते हैं? और क्या वो अटामार्ट्स सच में है? मैं एक मामूली इंसान हूं, क्यों भला मैं उन्हें कैसे जानूंगा? वैसे तुम क्यों जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूं कि बिना किसी को दिखे वो आखिर लोगों की रक्षा करते कैसे हैं? काश कि मैं जान सकता। अंकल, लोग मुझे किस तरह याद करेंगे? यह तुम पर निर्भर करता है कि लोग तुम्हें किस तरह याद करेंगे, पर उसके लिए तुम्हें लायक बनना होगा। सबसे जरूरी यह है 5 विषय जो कि एकाग्रता और ध्यान लगाने के मूलाधार हैं, तुम्हारी प्राणधारा को विकसित और काबू करने के लिए तुम्हें पूरी तरह ध्यान लगाना होगा और लक्ष्य से भटकने से बचना होगा। जब तुम्हारी प्राणधारा विकसित और शक्तिशाली हो जाएगी, तब तुम उसे जादुई मंत्रों के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ये घोंसला चीन से है? हाँ तो क्या, वहां से नाव पकड़ के यहाँ गया तो रास्ते में पटाखे खा लिए क्या? मुझे याद आ गया, मैंने इसे कहाँ देखा है। मैंने इसे बंदरगाह पर देखा था। तू लोगों का सामान इधर उधर करता है, मैं सब जानता हूँ। कलुए, उसे लेना देना कहते हैं बे। ट्रेडिंग 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 है? ट्रेडिंग क्या होता है बे? अबे कैसे लोग हो तुम दोनों, तुमको कुछ भी नहीं पता। चलो कुछ बढ़िया दिखाता हूँ। इस चीज से चांद दिखता है, इसे कहते हैं दूरबीन। उत्तरी। और इस बोतल में जहरीला कीड़ा है, काट ले तो हाथी भी ढेर। ये मुझे एक परदेसी ने बंदरगाह पे दिया था और ये आया है अफ्रीका से। कौन सा कीड़ा है ये? ध्यान से खोलना, बहुत खतरनाक है। अबे अबे निकल गया, मैं क्या कर दिया? क्या कर रहा है? तुम लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? चला गया। चलो चलो चलो, सो जाओ। कुंभकर्ण की तरह सो रहे हो सारे, फौजी कभी आलसी नहीं होता। चलो। अच्छा, ये नमूने अभी तक सो रहे, उठो निकलो, जल्दी अपना बिस्तर खाली करो। चलो चलो चलो, जल्दी करो। खड़े खड़े भी नींद आ रही है। उठक बैठक, चलो सारे उठक बैठक लगाओ एक साथ। एक, जोश के साथ। शाबाश। तीन। सब एक साथ। चार। और पांच। तेजी के साथ। रुक क्यों गए? सात। उधर क्या कर रहे हो? नौ। करते रहो। चलो रुकना नहीं। नौ। दस। रुकना नहीं। सुनिए तो साहब। ग्यारह। जब तक मैं ना बोलूं, चलो करते रहो। सुनिए साहब, वो कीड़ा। बारह। कीड़ा नजर आता हूँ। अरे अरे भाई, ये तो गया। अरे अब क्या करेंगे? अरे कीड़ा पकड़, कीड़ा। क्या इसे छोड़ दे क्या? शुक्र है बच गए। वे तू पागल है, ढक्कन क्यों खोला इसका? ढक्कन कहीं का? हो जी, कभी आलसी नहीं होता। चलो 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 जल्दी चले। एक, दो,
हे पैक, हे राम, मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं बोलूंगा माई हो तो तुम दोनों बोलना चिप चिप और फिर भागना है। अरे लेकिन माई हो ही क्यों? और ये चिप चिप क्यों? अरे वो बस सीक्रेट कोड है, याद रखना। हाँ। हे तुम लोग निकम्मे हो क्या? जान नहीं क्या तुम लोगों में? हे तेरी टांगों में जान नहीं है क्या? माई आए। चियाप चियाप। क्या ये मायवा और चिप चिप वाली तरकीब बढ़िया थी है ना? ए राम, सब अकेले खा जाएगा क्या? हाँ नहीं नहीं नहीं, ये ले टंगड़ी खा। बढ़िया है ना? वहाँ सब मेहनत कर रहे हैं और तुम तीनों दावत खा रहे हो। अभी के अभी तुम तीनों जाके बाथरूम साफ करो। जी जनाब। ए, क्या लड़कियां बुड़कियां में क्या कर रही होंगी? लड़कियां समारोह में होने वाले प्रदर्शन की तैयारी कर रही होंगी। और वैसे भी दो दिन में सारे मेहमान यहाँ अपना माप देने के लिए आएंगे। और मैंने तो सुना है इन नए मेहमानों की सुरक्षा के लिए नए सैनिकों को चुना जाएगा। तुझे ये सब कैसे पता बे? हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता था। बदबू कैसे? अच्छा, इन तीनों से तो पहले भी आती थी। गोबर की और क्या? ये देखो ये वाला बाक्स साफ ही नहीं हो रहा है। तेरी तो रात ना नमो उदाया साले, क्या बकवास कर रहा है? पीटो इन तीनों को पकड़ के। मुझसे लड़ोगे? चलो। तुम अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं हो, जल्दी वापस आओ। प्राण को ताकतवर बनाने के लिए एक ताकतवर शरीर की जरूरत होती है। ओहो, तुम्हारा शरीर तो बच्चों जैसा मुलायम है। और जोर से, दोनों हाथ सीधे, एकदम सही। समझ गए बाइसेप? हाँ मास्टर। बाइसेप समझ रहे हो ना? हाँ। और इन कंधों का अच्छे से इस्तेमाल करो। ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभ्यास करो, अच्छे से अभ्यास करो। बनाओ कहीं और खेल। ये चैन का घर, एक विधवा भूतनी, एक हफ्ता हो गया उसे मरे। आकर्षण मंत्र को किसी पर आजमाने और उसे शक्तिशाली बनाने का यही मौका है। मनाओ। चल क्या हो? देखो और सीखो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कैसे। ओम रारुडे महारारुडे, आकर्षण हो प्रेम और हवस के। तुम वापस आ गए घटिया शक्ल वाले मेरे पास ना? ओम ररुए महारुए, आकर्षण हो प्रेम और हवस के अधीन। खिड़की पर बैठे हुए इंतजार करते हुए मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ओम ररुए महारुए, आकर्षण हो प्रेम और हवस के अधीन। खिड़की पर बैठे हुए इंतजार करते हुए मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। ओम ररुए महारुए, आकर्षण हो प्रेम और हवस के अधीन। खिड़की पर बैठे हुए इंतजार करते। अब कौन सा मंत्र पढ़ रही है? इस राम की हवस जाग गई, अब तेरे लिए मेरा खाना नहीं होगा।
राजदूत यहाँ जल्दी आने वाले हैं, उनका ख्याल रखना पिम। हमें तुम पर बहुत भरोसा है। जी हाँ। तेजो जी कैसे हैं? ये है हमारी दूसरी पत्नी और ये है फ्राया देशो, यहाँ के कर्तधार से यही है। स्वागत। शुक्रिया। आपकी थोड़ी मालिश कर दूं साहब? हाँ। ये क्या है? मालिश की मशीन है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? हाँ लग रहा है। जन्नत के मजे आए? हाँ आ रहे हैं थोड़े थोड़े। थोड़े और मजे लीजिए। अबे क्या कर रहे हैं? सम्मोहन मंत्र है ये। तूने देखा क्या? मंत्र से इसे नींद आ रही है। सही कर रहा है क्या? ओए राम, कैसी चल रही है मशीन? क्या राम, तूने तो बोला था यहाँ मदद के लिए और भी लोग होंगे, पर मैं तो यहाँ सुबह से मालिश कर रहा हूँ। एक तो ये बदबू और ऊपर से थकान, पागल हो रहा हूँ। हे ये क्या चल रहा है? सारा सूसु मेरे जूते पर गिर गया, चल हट। ये तो हिंदी का मास्टर निकला साला। मालिश ज्यादा हो गई। सर। ए, बाहर मदद चाहिए, तुम में से कोई एक चलो। मैं चलूंगा साहब। अठारह इंच एड़ी तक 40 इंच, क्या मैं इन्हें अपने साथ ले जा सकती हूँ? क्यों नहीं। क्या हम कुछ और नहीं खेल सकते? हम तो बस मस्ती करने के लिए शादी खेल रहे हैं ना, कि असली शादी थोड़ी है। तुम्हें असली चाहिए क्या? ना नहीं चाहिए। क्या तुम इसे पूरी जिंदगी इज्जत देने और खुश रखने का वादा करते हो? क्या हो? क्या हो? हाँ?
अब क्या हुआ चांग? जब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या तुम इसे पूरी जिंदगी इज्जत देने और खुश रखने का वादा करते हो, तब तुम्हें इसे आई डू कहना है। आई डू। क्या हो तुम अंदर कैसे आए? तुम्हें पता है अगर तुम्हें यहां किसी ने देख लिया तो तुम्हें सजा हो जाएगी। खूबसूरत है। शुक्रिया। क्या ये कपड़ा इसे तुमने खुद बनाया है? मैंने बस कढ़ाई की है। खूबसूरत है, मुझे पसंद है। कपड़ा ना? पिम पसंद है। शुक्रिया। क्या? हाँ। ए, जल्दी अंदर तलाशी लो। वो कपड़ा जाना पहचाना लगा, जैसे पहले भी उसे देखा हो। तुम्हारी याददाश्त खो गई थी ना? हाँ, लेकिन मुझे कुछ चीजें याद हैं। वो वर्दी तुम पर अच्छी लग रही थी। बस एक बार पूरी वर्दी मिल जाए और अच्छा लगूंगा। मैंने तो सुना है प्रशिक्षण बहुत मुश्किल है, इस बार फिर से मत भाग जाना। ओहो, तो ये बात है। अगर मैं यहाँ का फ्राया बन गया ना तो वापस आकर तुम अपनी दासी बना लूंगा, ठीक है? तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो क्या? मेरा इंतजार करोगी? अब तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। चांग, वो मैं सोया और उठा तो मुझे तुम्हें ढूंढने को कहा गया है। देर हुई तो तुम्हें सजा हो सकती है। जाना चाहिए मुझे। चांग, ऐसे क्या देख रहे हो? पिम, तुम्हें पता है प्रशिक्षण खत्म होने के बाद सबसे अच्छे सैनिक को बड़ा ओहदा मिलेगा। और मैं वो लेना चाहता हूं पिम, हमारी शादी के तोहफे की तरह। खैर, अब मुझे चलना चाहिए। जवानों ध्यान से सुनो, तलवारबाजी के अभ्यास के लिए एक साथी चुन लो। जो सैनिक एक ही दल में है वो एक दूसरे के साथ नहीं बन सकते। नजरें सामने, सीना चौड़ा, शुरू करो। क्या हो? क्या हम दोनों अभ्यास करें? हम दोनों? ठीक है। तुम्हें और अभ्यास की जरूरत है क्या हो? मुझसे लड़ने के लिए भाई। हाँ।
प्यार का दूसरा नाम दर्द होता है ना। इतनी सी उम्र में तुझे प्यार के बारे में क्या पता होगा? क्यों नहीं पता हो सकता, मुझे भी एक लड़की बहुत पसंद है। अबे तुझे ये लड़की पसंद है? बहुत सुंदर लड़की है, जब वो हंसती है उसकी जुबान जमीन तक गिरती है। जाना जा जा। फिर आ गई वो महारण में आकर्षण प्रेम और हवस के अधीन। अंकल हाँ? अब आगे क्या? ये तो बहुत चिपकू है, इसे थोड़ी देर आनंद लेने दो और फिर जल्दी इसका पुनर्जन्म होगा। मनाओ चले। ठीक है क्या हो, बाय। इसे कहते हैं छलावरण मंत्र, जो तुम्हें दुश्मनों से छुपने की शक्ति देगा। नबंग मो यंग बुधाना छलावरण रक्षते। तुम्हारे कदमों से तेज है मेरी आंखें। लगता है आपकी आंखें कमजोर हो गई। सर फोड़ दिया, मेरा खून निकल गया। अब तक तुमने जो सीखा है वो इस विद्या का सिर्फ आधा हिस्सा है। अगर तुम सबसे बड़े जादूगर बनना चाहते हो तो तुम्हें आत्माओं पर काबू पाना सीखना होगा। यही बसेरा है उनका इन्हीं घने जंगलों में। जलती हैं आंखों के मंत्र का इस्तेमाल करने से वो सामने आ जाएंगी। बनाओ, जल्दी से मोमबत्ती जलाओ। जल्दी ढूंढना। अजीब बात है, उनके दुर्गंध आ रही है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। बनाओ बनाओ, अभी तक मोमबत्ती नहीं जलाई क्या? बनाओ जल्दी मोमबत्ती जलाओ। मोमबत्ती नहीं है, मैं जलाऊं क्या? है ही नहीं मोमबत्ती। मोमबत्ती है ही नहीं, बोलो अब क्या करें, हमारे तो लग। अरे ये सब क्या चल रहा है, आत्माएं बुलाते हुए तुम्हें गाने की पड़ी है? ए मनाओ मोमबत्ती जला। मोमबत्ती ये रही और ये मोमबत्ती जल रही है। तेरी मोमबत्ती मेरी गर्दन पर क्यों है भूतनी के? तुम मुझे ललकार रहे हो ना, हमेशा के लिए तुम्हें मटके में बंद कर लूंगा। मास्टर हा? यहाँ तो एक ही मटका है। हाँ तो, पर यहाँ पर तो दो आत्माएं हैं। बाहर जाकर मरना है क्या? यहीं घेरे में रहो, हम यहाँ सुरक्षित हैं। पति देव वापस आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे इंतजार में देखो क्या हो गया। अबे कुल्टा, भूल गई मैं तेरा पति हूँ? मेरी पत्नी के साथ चक्कर चलाया तूने, मैं तुम सबकी गर्दन तोड़ दूंगा। हमारा तो तलाक हो गया। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ समझे। अब हम क्या करें? अब तो पवित्र चावल ही कुछ करेंगे। मुझे लगता है चावल खराब हो गए। क्या कहा? अब जो हो जाए, क्या वो मेरे साथ जाएगा? तुम्हारी बीवी दर्द में है, उसे गले लगा लो। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं। कैसी औरत है तो देख रहा है ना? बनाओ, हमारा ब्रह्मास्त्र जहाँ भी है उसे बुला ले। ब्रह्मास्त्र। अरे ये क्या बला है? प्राणनाथ, रोना चाहिए। ले इस चुड़ैल को, तू ही रख ले। मनाओ, बचा ले। समाधि इन मंत्रों की चाबी है। समाधि इंसान को प्राण और ब्रह्मांड से जोड़ती है और उसके लिए तुम्हें अभी और अभ्यास करना होगा। रुकना नहीं, बस एक और। हुँ, 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 हुँ,
बहुत बढ़िया। सत्ता रत्न बकारं अम अकं शरणं गच्छामि। रुको! क्या? लेकिन रुकना क्यों है? इतना भी क्या डरना? शुरू करो कियाओ, हमारा हो गया। सत्ता रत्ना पकारं अमा आकं सरनं गच्छामि सुसु रारा चाचा सुसु नमो बुदाया। सत्ता रत्ना पकारं अमा आकं सरनं गच्छामि सुसु रारा चाचा सुसु नमो बुदाया। सत्ता रत्ना पकारं अमा आकं सरनं गच्छामि सुसु रारा चाचा सुसु नमो बुदाया। बीच में मत पड़ो, बैठो। उस क्या उसे तुम हार गए? अपनी जिद पूरी करके तुम्हें शांति मिल गई ना? बेटा, हमारे सामने सैनिक सर झुकाते हैं। क्यों तुम सर उठाकर नहीं जीना चाहते? क्यों नहीं समझते तुम्हारा बाप बेहतर जानता है? चले जाओ। हाय, कोई नहीं जैसा क्योंकि आप है कुन श्री विजय और हमारे कुछ मैंने गाया था। गजब हो गया सरकार, गजब हो गया। देशो साहब, हमारे गोदाम में जो बारूद रखा हुआ था वह सारा बारूद घुसपैठियों ने चुरा लिया है। इस खबर को दबा के रखो,
समारोह में हलचल ना होने पाए। मेहमानों तक ये खबर नहीं पहुंचनी चाहिए। ये हमारे राज्य की सुरक्षा की बात है। हमारे बीच कोई गद्दार है, इसलिए गोदाम लूट लिया गया। मैं उस गद्दार को ढूंढ निकालूंगा साहब। ठीक है। मेरे बेटे का भविष्य कैसा होगा महाराज? वो एक बड़ी मुश्किल में है। उसके सर पे मौत के बादल मंडरा रहे हैं। क्या हो? क्या हो? हमारे बेटे का नाम पीओएम नहीं है? जॉय, नया घड़ा देना जरा। तुम्हारा बेटा क्या हो? अलौकिक तकदीर का मालिक है। तो क्या मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बनेगा? जरूर बनेगा, लेकिन एक महान आदमी बनने से पहले किस्मत उसे बार बार लगातार गिराएगी। यह तुम्हारे बेटे पर निर्भर करता है कि वो खड़ा होकर उससे लड़ेगा या फिर किस्मत से हार मानकर उसके पैरों के नीचे नाक रगड़ेगा। स्वयं सेवक बल का प्रशिक्षण पूरा करने वाले सभी सैनिकों को मैं दिल से बधाई देता हूं। बहुत खूब, लेकिन अपना दिल छोटा नहीं करना। ऊंचाइयां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं बेटा। जी शुक्रिया। और अपनी काबिलियत साबित करने वाले कियाओ को मैं आने वाले एक्सपो के सुरक्षा दल का प्रमुख अफसर बनाता हूं। मुबारक। जवानों सावधान, दाएं मुड़, सावधान। पिम, कैसा लग रहा हूं? ये वर्दी अच्छी है ना, जैसा मैंने वादा किया था। अफसर की वर्दी है, सबसे योग्य सैनिक को मिलती है। तुम क्या सोच रही हो? चांग ने मुझे बताया था कि ये वर्दी उसे चाहिए थी। पता नहीं उसे कैसा लग रहा होगा। नमो पुत्तंग, गुजरा हुआ वक्त भूल जाओ, अभी सिर्फ तुम और मैं हैं। तुम मुझसे कुछ कह रहे थे क्या? मैं कह रहा था सेना के साथ साथ मैंने जादू में भी जीत हासिल की है। फिर तुमने कहा कि तुम कुमानथोंग से मिलना चाहती हो। अच्छा, हाँ, इसी वक्त मिलना चाहोगी? कुमानथोंग हाजिर हो। कुमानथोंग। ये तो बड़ा ही गोलू मोलू सा है। अबे तुम बुरा मत मानना, बच्चा है ना। चुप कर। ठीक है, तो तुम्हें क्या क्या करना आता है बताओ। कभी होश उड़े हैं क्या? चल हम उड़ चले, संगो हाथों में है तू ही, बस तू ही बेबी मेरे साथ। जोशीली हवा और तू हो मेरे पास, जाना तू बस तू ही है मेरे साथ। Tell her
तू ही बस तू ही बेबी मेरे साथ, जोशीली हवा और तू हो मेरे पास, जाना तू बस तू ही है मेरे साथ। वो आओ पता है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरी दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं है, और ये जो भी है बहुत प्यारा है। नमो पुत्तंग, आज रात के बारे में तुम सब भूल जाओगी। मुझसे तुम कुछ कह रहे थे क्या? मैं कह रहा था मेरे लौटने का समय हो गया है। पेम चांग, चांग अपना वादा पूरा नहीं कर पाया। शायद मुझे बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी। इतनी सी चीज के लिए मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। चांग, तुम मेरे लिए बिल्कुल सही इंसान हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि तुमने मेरा दिल दुखाया है। पिम, क्या तुम मुझसे अब भी शादी करोगी? I love you. ए पेक, ए राम, जवान क्या हो? सच सच बताओ, सेना में अपना नाम लिखवाने से पहले तुम कौन से कबीले का हिस्सा थे? ए क्या हो? चूहे बिल्ली का खेल बहुत हो गया, सच बताने का वक्त आ गया। कुंश्री विचाय ने मुझे खुद बताया किसी भी कबीले में काम नहीं किया तूने। सच बोल, तू समाज से निकाला हुआ है ना, किसी भी कबीले का हिस्सा नहीं, धोखेबाज है तू। तू जैसे झूठे मक्कार को तो सेना से भी निकाल देना चाहिए। जवान क्या हो? कौन श्री विचाय का नाम लेकर तुमने झूठ कहा, सेना में अपना नाम लिखवाया। तुमने एक संगीन जुर्म किया है, तुम्हें सेना से निकाला जाता है। और पैक और राम, सब जानते हुए भी एक गद्दार का साथ दिया, तुम दोनों को भी सेना से निकाला जाता है। उतारो इनकी वर्दी। और ध्यान रहे कि ये तीनों इस राज्य के आसपास भी नहीं दिखने चाहिए। ले ले। चीयर्स। तुम अभी भी बहुत कमजोर हो कियाओ, तुम्हारा प्रशिक्षण अभी बाकी है, बेहतर होगा तुम मेरे साथ वापस चलो। अंकल, वो मैं अब और कुछ भी नहीं सीखना चाहता। पानी के बहाव के साथ रहना मुश्किल नहीं है कियाओ, मरी हुई मछली अभी भी बहाव में बहती है, लेकिन तुम्हें बाहर से लड़कर देना होगा कियाओ। जानते हो, किसी भी दुश्मन को हराने से ज्यादा
अपने दिल के डर को हराना ज्यादा जरूरी होता है। तुम्हारा मन बदले तो उसे बता देना और मनाओं का ख्याल रखना, भूखा मत रहने देना। मैं चलता हूँ। भाड़े पे गाड़ी, भाड़े पर गाड़ी। रुको 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 रुको, कहाँ जाएंगे साहब? मुझे वटियाई जाना है। मोटर गाड़ियां अभी तक नहीं बनी साहब। भाड़े पे गाड़ी, भाड़े पर गाड़ी। पैदल चला जाता हूँ। राम, मुझे सुसु लगी है। युथा सुफान, युथा सुफान, दाढ़ी तैयार है, आने वाले आ जाओ। युथा सुफान, दाढ़ी तैयार है। आजा, वो देख, वो देख। आजा। ये तो म्योन जैरमोन है, पर ये चोरों की तरह कहां जा रहा है? कल के दिन प्रायः देशो समारोह के लिए बाजार आएंगे। बाजार के चौक पर सैनिक सुरक्षा बल का पहरा सबसे कम होगा। देशो पर हमला करने का इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा। ए राम, ये दोनों तो जाने पहचाने लग रहे हैं। रास्ता मैं तुम्हें दिखाऊंगा, फिर उसके बाद सब तुम्हारे हाथ है। क्या तुमने मेले की सारी तैयारियां कर ली? फिक्र मत करो, तैयारियां हो चुकी हैं, प्रदर्शनियां भी तैयार हैं। जब बारूद से बंधी हुई पतंग हवा में उड़ेगी तो बस उसी वक्त राजकुमार पिंटोंग को मारने के लिए तुम उसमें आग लगा देना। जब उता चेंगेन के काबू में होगा तो तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। कुछ गड़बड़ है। अरे सुनो, तुम आ रहे हो या नहीं? आया ना? हाँ आ रहा हूं। ए क्या हो? ए, रुक जा, रुक जा यार। हाँ भाई, निकलो यहाँ से, निकलो। हाँ तुम लोग जाओ। अब क्या हो गया? हुआ नहीं लेकिन होने वाला है। मैं नहीं आ रहा, मैं सुपान जाऊंगा। और तूने भी तो कहा था ना ये जगह हमारे लिए नहीं है। सही तो कह रहा है क्या हो? ए, तुम दोनों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्या? सेना में वापस जाने का मौका अच्छा है। मेरे साथ कौन है बताओ? अच्छा ठीक है। आज के दिन मैं आप सबकी खुशहाली और स्वास्थ्य के लिए दुआ करता हूँ। इस नए साल में आप सभी लोगों की कामनाएं पूरी हों। और अब जश्न का वक्त हो गया है, तो इस जश्न को शुरू किया जाए। Hey!
झगड़े मत जाना भाग। भागने मत देना। देख के देख के। पकड़ो गद्दार को। गद्दार का बेटा, पकड़ो गद्दार के बेटे को। चुप्पो चुप्पो छान मारो, यही कहीं होगा। वो मिल गया, वो यहाँ है। सत्ता रत्न ने वो बुदाया। मुझे वो आम चाहिए। ठीक है पिम। क्या मुझे बताओ बेटा, इस सूखे पेड़ को देखकर तुम्हें क्या लगता है? लगता है जैसे ये तूफान से मर गया। पेड़ के ऊपर एक टहनी है, देखो उसमें पत्ते वापस आ रहे हैं। तूफान की वजह से ये मरा नहीं, बल्कि ये फिर से जिंदा हो गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। याद रखो क्या, तुम्हारी किस्मत ऊपर वाला नहीं लिखेगा, तुम लिखोगे। जिंदगी का रास्ता तुम खुद चुनोगे, समझे बेटा? ये तलवार तुम्हें उस रास्ते को चुनने में मदद करेगी, और उस दिन तुम ये फैसला करोगे कि तुम्हें यह तलवार क्यों उठानी है। आज और अभी से तुम मेरे बारे में सब भूल जाओगे। मैं आने वाले एक्सपो के सुरक्षा दल का प्रमुख अफसर बनाता हूँ। तुमने एक संगीन जुर्म किया है, मैं सेना से निकाला जाता है। तो अब तुम मेरा जादू सीखना चाहते हो? क्या क्या तुम सच में अपना बचपन भूल गए हो? इनका गुलाम बनेगा। चलो अपने वतन को बचाते हैं। नहीं आता, तभी तो उनका चेहरा चमकता रहता है। इन जैसा कोई है क्या? लंचांग राज्य के राजकुमार पिंथोंग पधार रहे हैं।
राजकुमार आपका स्वागत है, सिंहासन ग्रहण करिए। समारोह शुरू किया जाए। समारोह शुरू करेंगे जापान से आए हुए ये तलवारबाज, एक ऐसा समुराई जिन्होंने अपनी तलवार की धार बनाने के लिए माउंट फूजी की चोटी की चढ़ाई की। अच्छी तलवार है। पश्चिम से ये कलाकार लाए हैं हाथ से चलने वाली तोप। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बीच आज एक नया आविष्कार आया है पश्चिमी लोगों से, इसे कहते हैं, इसे राजकुमार को दे दे। बना हुआ सुदूर दूरभाष यंत्र। हेलो हेलो। ओए हाय, इससे तो आवाज आती है। सुनिए श्रीमान, इस यंत्र को उस लड़की को दे दीजिए, वहां खड़ी लड़कियों में जो सबसे सुंदर है। और आगे नहीं नहीं, जिसके कपड़ों पर फूल है, बस यही। जी कहिए राजकुमार। सुंदरी, तुम कहां से आई हो और इतनी सुंदर कैसे? तुम्हारा चेहरा तो इतना सुंदर है, मन कर रहा है तुम्हारे माता पिता से मिले। क्या तुम हमारे साथ एक प्याली चाय पियोगी? अगर छांग से प्यार करती हो तो तुम्हें राजकुमार पिंतोंग की हर जरूरत का ख्याल रखना होगा, और अगर पिंतोंग संतुष्ट नहीं हुए, चाहे वह मानसिक जरूरत हो या शारीरिक, उसका सीधा असर तुम्हारे प्यार छांग पर पड़ेगा, समझी? सुंदरी, क्या तुम जरा यहां आओगी? पर वहां क्यों राजकुमार? ताकि हमारे दिल मिल सके। क्या चाय है। ओए 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 ओए। राजकुमार जी, आप थोड़ी देर के लिए बस गाना बंद करें, कलाकार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह है खास बियन लियन नृत्य कला, चीन से श्वान से। बारूद पतंग से बंधा है। भीम, ए जल्दी चलो। Yeah!
हमने कर दिखाया। ओए चल चले, मैं तो कमाल हूं। चल चल। राजकुमार, क्या आप मैं थोड़ी देर के लिए इजाजत ले सकती हूँ? हाँ। हमें भी एक बहुत निजी काम है, हम अकेले जाएंगे। जी राजकुमार। पिम, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ चली गई सुंदरी, छुप क्यों रही हो? बाहर आओ सुंदरी। अरे चल। इधर है या उधर है? हमारी सुंदरी किधर है सुंदरी? ये क्या कर रही हो तुम? अब क्या करें? जाकर चैंग और सैनिकों को बताओ कि राजकुमार को अगवा कर लिया गया है और मैं इनके पीछे जा रही हूं। नहीं नहीं पिम, ये बहुत खतरनाक है। अगर पिंटोंग को खरोच भी आए तो वो चैंग को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पिम, चैंग, चैंग रुको, गजब हो गया चैंग। हमारे कियाओ को हमारी मदद की जरूरत है। मनाओ, जाकर खबर कर दो, उसका प्यार खतरे में है। क्या हो? पिम की जान खतरे में है। पिम, वो कहाँ है? क्या हो? ए, पिम की जान खतरे में, तुम लोग यहीं रुकना। ए, क्या हो? इसे क्या हो गया?
चलो देखते हैं ऊता के पूर्व प्रमुख सेना को आखिर आता क्या है। तुझे मारने से पहले तेरी काबिलियत तो देखूं। नामो इंगो इंगो। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं? आजा। अपनी तलवार निकालने से पहले तू जान से जाएगा लड़के। शायद अपनी ना निकाल पाऊं, उसमें थोड़ा कच्चा हूं, पर दूसरों की निकालने में माहिर है क्या हो? क्या यही है यूटा का सबसे बहादुर सैनिक जो जमीन पे धूल चाट रहा है? अपनी मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। लड़ाई के वक्त ज्यादा बात नहीं करते, क्या समझा? Thank you.
Pim! कहां पर है देश और वो अतमात अपना मुंह छुपाकर कहां घुसे हैं? तुम जैसे नौसिखियों से लड़ने का मुझे कोई शौक नहीं है। डर लग रहा है? Oh.
ए संत्रिफेद का पाखंडी तांत्रिक, तुझे ही ढूंढ रहा था मैं। अच्छा, बदला लेने का और भी मजा आएगा। प्रयातेशो। संध्या एम एम ओम वीरू प्रकाशा ओम रुद्राय लगनश्या अगच्छा छा ओम एम 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 ओम हीम सीम सैम सैम हीम सीम शंकराय शंकराय नमः ओम हीम सीम सफलियाय संध्याय ओमाय नमः ये क्या? कमीने, मुझे मारेगा सुअर साले। जगह को घेरो, राजकुमार की रक्षा करो। हे भगवान, राजकुमार पिंटोंग अब ठीक तो है? हमें बताइए यहाँ क्या हुआ था राजकुमार? इस कमीने सुअर ने हमारा अपहरण किया था। क्या क्या बात है, क्या आपने अकेले इस दरिंदे को हरा दिया? हाँ, हमने हराया, हमें भी थोड़ी चोट आई है। मुझे दिखाएं, कहीं चोट बहुत गहरी तो नहीं? यहाँ पसलियों पर आई है, शायद फेफड़ा फट गया है। राजकुमार, अपना हाथ खींचकर देखे, दर्द तो नहीं हो रहा? और खींचिए राजकुमार, थोड़ा और। इसी क्षण लिखो, नागा साल के दूसरे महीने की पूर्णिमा को राजपुत्र पिंतोंग दानछांग के युवराज ने एक गद्दार तांत्रिक का डटकर सामना किया, जियांग इनके संतरी पेटका को अकेले हराया और उसका नाश कर दिया। यह घटना अब इतिहास में लिखी जाएगी, वो भी सुनहरे शब्दों में।
अब आगे क्या करने का इरादा है? ठीक है, लेकिन यह जरूर याद रखना, भविष्य में जनता को तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है बेटा। शुक्रिया सर। मुझे यकीन है तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा। क्या हो? पिम तुमसे मिलना चाहती है कि आओ, कल दोपहर वो तुम्हारा इंतजार करेगी। बिल्कुल भूलना मत, तुम्हें वहां जाना होगा। नमो पुत्तंग, आज रात के बारे में तुम सब भूल जाओगी। आपका आशीर्वाद लेने आया हूं साधु महाराज। तो तुमने यही रास्ता चुना है बेटा? जी हां। ये वही है जो तुम्हारे बाबा तुम्हें देना चाहते थे, और वो भी उस दिन जिस दिन तुम अपनी जिंदगी का रास्ता चुनते। क्या हो? जाओ, क्या हो, दुनिया बदल दो बेटा। हाँ लॉन्ग बॉय, जानना चाहते हो मैं कहाँ जा रहा हूं? तो चलो मेरे साथ। आपका बेटा जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। जब चैंग को होश आएगा, मैं सोच रही थी कि उसके स्वागत और बुरी ताकतों को दूर करने के लिए हमें एक महायज्ञ करना चाहिए, और फिर पेम और चैंग की सगाई करवा कर उसी दिन उन दोनों की शादी करवा दी जाए। लेकिन एक चीज है जिसका कोई इलाज नहीं है।